हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आगे किसका निशान ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आगे किसका निशान महफिल महफिल ये शमा फिरती हो कहां महफिल महफिल ये शमा फिरती हो कहां ओ अनजाना What a power-packed performance by the Pancham Tribe. जैसे कि आप जानते हैं हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आर डी बर्मन जी का बर्थडे वीक तो चलिए हम पंचम दा के सुरीले नगमों के कारवां को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सदाबहार गानों का आनंद लेंगे पराया धन इस फिल्म का यह गाना गाया था किशोर कुमार जी ने और इस गीत में अपने प्यार से पहली मुलाकात की बेताबी बयां कर दी है
और उसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्याम कुमार माने जी। उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। अनदेखा अनजाना मुखड़ा कैसा होगा, ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा। अनदेखा अनजाना मुखड़ा कैसा होगा, ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा। मिलते ही उनसे नजर आए दिल में बेकरार सी दिन रात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, हर आहट पे सोचते होंगे साजन आए। बैठे होंगे रास्ते पे वो आंखें बिछाए, हर आहट पे सोचते होंगे साजन आए। क्या हाल होगा वहाँ कुछ न पूछो, दिल में उमंगों की रात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, होगा क्या क्या पता क्या। मुझे आशा है कि हम महान आरडी बर्मन सर द्वारा रचित सदाबहार नगमों का आनंद ले रहे होंगे। एंड दिस हैज बीन पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव टेकन बाय द वॉल्स म्यूजिक एकेडमी, व्हिच हैज परफॉर्म्ड
and organized over 500 concerts at the biggest of the stages with the Bollywood famed artists. तो चलिए हम अपने अगले गीत की ओर बढ़ते हैं. फिर वही रात इस फिल्म का यह गाना जिसे गाया है लता जी ने और इसके बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी जी ने और आज हमारे सामने पेश करने आ रही है अपर्णा देशपांडे जी. Oh,
Wah, Aparna ji, bahut khoob. As you all know, is show mein jo perform kar rahe hai, all these people belong from different professions. Aur unko ek saath laya hai sangeet ke junoon ne. So let us all come together and encourage them by giving our likes and comments. अगला गाना क्लासिक फिल्मों में से एक है जिसे आज भी अपने खूबसूरत संगीत के लिए याद किया जाता है, यादों की बारात. इसी फिल्म का यह प्यारा सा गीत पेश करने आ रहे हैं संजय जी और शोभा जी. बहुत ही खूब गाया था. आगे बढ़ते हुए
अभी जो गाना आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है वह है फिल्म बहारों के सपने से और इसे गाया था ओरिजिनली लता जी ने. दिस सॉन्ग मार्क्स द लैंडमार्क ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द लेजेंड आरडी सर. ही सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस्ड मिक्सिंग एंड ओवरलैपिंग. ही रिकॉर्डेड लता जीज वॉइस विदाउट द डिस्क इरेजर and then re-recorded her alap in her voice on the same disc. Jo to chaliye sunte hai Shreya Mahabaleshwar Kar ji ke aawaz mein kya janu sajan. Thank you.
सांग श्रेया जी, हमारा अगला गाना आरडी सर का बहुत ही लोकप्रिय गाना है जो फिल्म मंजिल से है और जिसके गीतकार है योगेश और उसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं सुनीता जी। इसकी सादगी सीधे दिल को छू जाती है। जिम गिरी सावन सुलग सुलग जाए मन दिग आज इस मौसम में लग गए सीम जिम गिरी सावन सुलग सुलग जाए मन दिग आज इस मौसम में लग गए प्यार की गजलों को तराना मिल गया, प्यार की गजलों को तराना मिल गया, आपकी दोस्ती ऐसी मिली दोस्त जैसे खुदा की तरफ से कोई नजराना मिल गया। फिल्म शोले का यह गीत ओरिजिनली गाया था किशोर कुमार जी ने और मनाडे जी ने और उसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी जी ने और उसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं विनायक घोरपड़े जी और संजय जी। Yeah!
भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे बहुत खूब गाया है इन दो दोस्तों ने अपने दोस्त के खातिर आए हैं संजय जी दिल्ली से अपना दोस्त का साथ देने विद दिस वी मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट सॉन्ग एंड आई वुड लाइक टू शेयर एन इंसिडेंट रिगार्डिंग दिस सॉन्ग बिफोर वी मूव अहेड दिस इज़ वन ऑफ आशा जीज मोस्ट फेवरेट एंड पॉपुलर सॉन्ग्स एंड इट इज़ सेड दैट आर डी बर्मन सर was not very happy with the lyrics that Gulzar Saab had written and he called it Times of India since it was not rhyming. But when he heard Asha Ji humming the song, it triggered the melody in his mind and the song was done in 15 minutes, for which Asha Ji was awarded the Best Female Playback Singer Award. फिल्म इजाज़त का यह गाना प्रस्तुत करने आ रही है वॉल्स की छोटी सी आशा दृष्टि बलानी Thank you.
वाह क्या खूब परफॉर्मेंस था. वॉल्स म्यूजिक एकेडमी हैज ऑलवेज सपोर्टेड द यंग एंड द ओल्ड टू कम अप विद देयर टैलेंट एंड द इंटरेस्ट फॉर विच वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैव बीन क्रिएटेड सच एज राह बनी खुद मंजिल फॉर द सीनियर सिटीजन्स बैक टू द फ्यूचर एज किड्स बैंड Pitch perfect for karaoke singers and many more. So you can also be a part of any of these mentioned above. So let's move ahead. यह गीत है फिल्म पुकार का और इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं गेविन जी और गौरी जी. नजर
lovely performance, both of you. Service to mankind is service to God. And this is the motto followed by Waltz Music Academy. It also runs an NGO named Swarajya Charitable Trust, which is dedicated for the mission of creating immediate and lasting changes in the lives of those in need. They have distributed 4 tons of grocery to the needy along with their basic necessities, supporting old age homes, orphanages, farmers in the villages at emergencies are some of the major roles played by the Swarajya Charitable Trust. तो चलिए हमारे अगले गीत की ओर, जो है फिल्म रोमांस से, और उसे गाने आ रहे हैं विनायक सर. कीमत है क्या बाजार में
विनायक सर, बहुत खूब। अक्सर आरडी बर्मन अपने वेस्टर्न म्यूजिक के लिए जाने जाते थे। उन्हीं के कुछ सीधे साधे शास्त्रीय संगीत पर आधारित भी कुछ गाने बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं। उसी में से एक यह गाना है एरी पवन, जो बेमिसाल इस फिल्म का है और जिसके संगीतकार है आनंद बख्शी जी, और इसे गाने आ रही है दृष्टि बलानी जी। Power.
Super! What a classic performance, Drishti ji. So, before we move ahead towards the last song of this evening, I would like to thank you for being with us. Hope you all have enjoyed listening to these evergreen melodies. But let us not forget, we are meeting again same time, same place tomorrow. So stay tuned and keep following us on the Waltz YouTube channel of Waltz Ark. As it is a known fact that awards and recognition motivate us to create masterpieces. Filmfare Awards started the Filmfare R.D. Burman Award for New Music Talent in his memory in 1995. The award is given to upcoming music talents. Ab hum aa chuke hai apne aakhri geet ki or, jo hai film Bombay to Goa se, jiske original singer hai Kishore Kumar aur geetkar hai Rajendra Krishna. Aur use prastut karne aa rahe hai Anshuman ji. देखा ना है रे सोचा ना है रे रख दी निशाने पे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान देखा ना है रे सोचा ना है रे रख दी निशाने पे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान अरे डोले 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 मिट जाएंगे भर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे मर के भी चैन ना मिले तो जाएंगे यारो कहाँ मिट जाएंगे मर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे मर के भी चैन ना मिले तो जाएंगे यारो कहाँ अरे ओ वाओ 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 देखा ना है रे निशाने पे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान कातिल है कौन कहाँ नहीं जाए चुप भी तो रहा नहीं जाए बुलबुल है कौन कौन सैया कुछ तो कहो रे मेरी जान कातिल है कौन कहाँ नहीं जाए चुप भी तो रहा नहीं जाए बुलबुल है कौन कौन सैया कुछ तो कहो रे मेरी जान अरे ए देखा ना है रे सोचा ना है रे रख दी निशाने पे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान देखा ना है रे सोचा ना है रे रख दी निशाने पे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान है बस यही अरमान है बस यही अरमान